श्रावस्ती जनपद के इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज पुलिस कर्मियों, ब्लॉक कर्मियों, तहसील कर्मियों को लगाया गया कोविड 19 का टीका। इकोना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें, जहां पर कोविड 19 टीकाकरण का आयोजन किया गया। आए हुए लोगों के सूची में नाम देख कर यहाँ से बूथ में प्रवेश मिला। लोगों ने बूथ तक पहुँच कर कोविड 19 का टीका लगवाया और उसके आधे घंटे तक वेटिंग हॉल में प्रतीक्षा करने के बाद लोगों को घर रवाना किया गया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकोना तहसील कर्मियों, ब्लॉक कर्मियों और पुलिस कर्मियों को आज इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीका लगाया गया। 169 के सापेक्ष 146 लोगों को कोविड का टीका लगा। इस दौरान उन्हें टीका लगने के बाद भी तमाम तरह की सावधानियां बरतने की बात कही गई, जैसे कि अभी भी मास्क लगाएं, लोगों से दूरी बनाएं और बार बार अपने हाथों को धुलें। ऐसे नियमों को लगातार पालन करना है और अगली खुराक उन्हें उनके मोबाइल नंबर पर सूचना देकर लगाई जाएगी। इकोना इलाके में आज 169 के सापेक्ष 146 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान स्वास्थ्यकर्मियों ने आए हुए लोगों का टीकाकरण किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस कर्मियों, तहसील कर्मियों और ब्लॉक कर्मियों का टीकाकरण किया गया। अपनी अपनी बारी आने के इंतजार में बैठे हुए लोग बारी आने पर सभी लोगों को टीके की खुराक दी गई, जिसके बाद आधे घंटे तक वेटिंग हॉल में उन्हें बैठा कर प्रतिक्रिया जानी गई। इसके बाद उन्हें अपने घर जाने की बात कही गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आज कोविड 19 टीकाकरण का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों को, ब्लॉक कर्मियों को तथा तहसील कर्मियों को कोविड 19 का टीका लगाया गया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। क्या कहना चाहेंगे जनता से? अधिक से अधिक संख्या में टीका लगवाएं, इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से कहें जिसकी बारी आवे लगावे, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही।